हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग की कुछ और एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है ऑन 29 जुलाई 2013, निराली बोरोड ₹8,000 फ्रॉम XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी। यहाँ पे आपको बताया है कि बोरो किए हैं निराली ने XYZ कंपनी से। आप देख सकते हो बोरो किया यानी हमारे पास कैश आ रहा है। तो अगर हमारे पास कैश आ रहा होता है तो एज़ पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पर हमारे पास कैश आ रहा है तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड मेंशन किया है, और जिस कंपनी से हमने बोरो किया है उसे हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया है एज अ पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी गिवर हो रहा है XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। तो हमारी ये ट्रांजैक्शन बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹8,000 टू XYZ लोन इन्वेस्टमेंट कंपनी अकाउंट ₹8,000, जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी से हमने अमाउंट बोरो की है। कैश अकाउंट डेबिट ₹8,000 टू लोन XYZ कंपनी ₹8,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दी गई है ऑन 30 जुलाई 2013, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ₹1,700, यानी 1700 के गुड्स हमने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एडवर्टाइजमेंट पर्पस से हम जब गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा उतना गुड्स का लॉस रहता है, यानी कि हमारी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस होती है, तो हम उसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यानी एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड मेंशन होती है, तो हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस कारण थ्रू गुड्स गए हैं हमने उसको गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट वर्ड से मेंशन किया हुआ है, जिस रीज़न थ्रू गुड्स गए हैं ₹1,700 की। यानी यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन बन जाती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹1,700 टू गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ₹1,700। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 31 जुलाई 2013, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ₹700। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 31 जुलाई 2013 को इंटरेस्ट अलाउ किया था कैपिटल के ऊपर ₹700 का। इंटरेस्ट अलाउ किया है यानी कि हमारा इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर हमें पेमेंट करना है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिज़नेस के अंदर उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है, तो हम उसे डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। आप देख सकते हो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है टू कैपिटल अकाउंट, यानी जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट अलाउ किया, हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट साइड में रखेंगे। यानी यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है, तो हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹700 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹700। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 1 अगस्त 2013, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ₹800। आपको यहाँ पर बताया गया है 1 अगस्त 2013 को इंटरेस्ट चार्ज ऑन यानी चार्ज किया है ड्राइंग के ऊपर, जो ड्राइंग यानी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश लिए हैं उसे हम ड्राइंग कंसिडर करते हैं। तो हमने जो ड्राइंग यानी कि ड्राइंग के लिए कैश या गुड्स दिए थे उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी इंटरेस्ट हमें मिला है, तो वो हमारा वन टाइप ऑफ इनकम हो गया। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन पास आउट करेंगे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट 800 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 800। इस तरह से हम ट्रांजेक्शन पास आउट कर सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट 800 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 800 एज़ पर नॉमिनल रूल।
एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड गेन अकाउंट। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा वन टाइप ऑफ इनकम रह जाता है। जो हमने किसी को ड्राइंग पे गुड्स या कैश दिए हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो हमारी वन टाइप ऑफ इनकम होती है। थैंक यू।